हेलो जैक प्रिंगस, गुड़ उद्योग के लिए आपका गाइड। ऑथर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट बुक ऑन जैगरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, टू पेटेंट्स ऑन ऑटोमेटिक जैगरी मेकिंग सिस्टम, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम वर्चन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली एंड बी मैकेनिकल फ्रॉम विजय टेबू विथ 16 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आज मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि आज हम बात करने वाले कूड़ उद्योग के बारे में, जो गलत फहमियाँ हैं उसके बारे में, जो कि हमारा जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है। जो बुक है हमारा बनिए धनवान गुड़ उद्योग के द्वारा, उसमें कुल मिला के 12 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है मैं आपको इंडेक्स पढ़ूंगा और डिटेल में हम चर्चा करेंगे गुड़ उद्योग के बारे में, जो गलत फहमियां हैं उसके बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 है गुड़ उद्योग में अवसर क्या है, चैप्टर नंबर 2 है गुड़ उद्योग के बारे में गलत फहमियां क्या है, चैप्टर नंबर 3 बहुत ही अहम है असफलता का रहस्य, गुड़ व्यवसाय में क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए वो सिखाते लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो भी आपको सीखना जरूरी है, चैप्टर नंबर 4 जो है मृदा परीक्षण का महत्व, मृदा परीक्षण का गुड़ के क्वालिटी पे कैसे असर होता है उसके लिए क्या करना चाहिए, चैप्टर नंबर 5 जो है गुड़ उद्योग के लिए गन्ने की अलग अलग किस्में कौन सी है और गुड़ के लिए कौन सी किस्में अच्छी है, चैप्टर नंबर 6 है गन्ना काटने और परिवहन के निर्देश हमने दिया है क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है, चैप्टर नंबर 7 व्हिच इज अगेन वेरी क्रूशियल और वो है तकनीक के बारे में, गुड़ उद्योग में जो अलग अलग उसके बारे में हमने सविस्तर से लिखा है चैप्टर नंबर 7 में तकनीक के बारे में, चैप्टर नंबर 8 है उत्पादन कैसे समस्या का हल करने उत्पाद बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दिस चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम है ये चैप्टर्स। 9वां जो है मैन पावर कैसे नियुक्त करें और कैसे बनाए रखें मैन पावर को, जो कि लेबर की समस्या है, और चैप्टर नंबर 10 है बिक्री और विपणन, चैप्टर नंबर 11 है ये बुक अगर पढ़ा और उसमें से कुछ बातें आपको ध्यान में नहीं रही तो भी चलेगा, लेकिन इन 10 गलतियों से बचे, बहुत ही अहम है ये, अगर 10 गलती में से एक भी गलती आप कर रहे हो तो आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता है। और चैप्टर नंबर 12 जो है केस स्टडी है, जो सक्सेसफुल ब्रांड हमने बनाया है जैगवंडर का उसके बारे में। तो दोस्तों ये बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है जिसकी डिस्पैचेस हर रोज होती है, आज का जो डिस्पैचेस है वो लोगों का भी नाम यहाँ मैं लेना चाहता हूँ, और उसके बाद जो है गुड़ उद्योग के बारे में गलत फहमियाँ ये जो टॉपिक है उसके बारे में हम सविस्तर रूप से चर्चा करेंगे। तो आज के जो डिस्पैचेस है कुछ उसमें से कुछ डिस्पैचेस मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अशोक मदनी जी जो कि ये है बीड से, अशोक मदनी जी आपका जो बुक है आज डिस्पैच हो रहा है, उसके बाद बसवराज इरफाली जी है ये है अहमदपुर लातूर से, इनका भी बुक आज डिस्पैच हो रहा है, उसके बाद राहुल जरकड़ ये है पुणे से ही अंबेगांव से, उनका भी काज डिस्पैच हो रहा है, उसके बाद ये है असलम बागवान जी तुलजापुर उस्मानाबाद के, उनका भी काज डिस्पैच हो रहा है, उसके बाद है मोहम्मद हसन जी ये है उत्तर प्रदेश सहारनपुर से, उनका भी काज डिस्पैच हो रहा है, शंकर खुबाली जी ये है कहाँ का लिखा है माजलगांव से है, और ये जो है शरद भाषिंग ये पुणे दौंड से है, शरद भाषिंग आपका बुक डिस्पैच हो रहा है, और नीलेश मोटे जी ये भी पुणे से ही है उनका भी बुक डिस्पैच हो रहा है, उसके बाद जैगरी के कुछ पैक्स आज डिस्पैच होने जा रहे हैं उनका भी मैं नाम लेता हूँ, जैग वंडर के पैक्स हैं, ये है मिस्टर संजय है होसूर से उनका पैक डिस्पैच हो रहा है, उसके बाद मिस्टर अभिजीत गावड़े जो है ये है अंबड़ से उनका पैक डिस्पैच हो रहा है, उसके बाद ये है मिस्टर रंजन अडलखा ये है दिल्ली से उनका पैक डिस्पैच हो रहा है, और बहुत सारे पैक्स हैं, हर एक का नाम मैं नहीं लूँगा। तो बुक्स और जो जैगरी है उसके डिस्पैचेस रेगुलर शुरू है, जैगरी जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी इस हफ्ते में, तो अगले हफ्ते से जैगवंडर का जो
पैकेट्स है वो अवेलेबल नहीं होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोगों का जो प्यार मिला है, आप लोगों ने इतने परचेसिंग किया है कि हमारा जो है इस हफ्ते में आउट ऑफ स्टॉक हम जैगरी के लिए हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हिंदी का बुक जो है, ये जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया उसमें टॉपिक नंबर दो जो है गुड़ उद्योग के बारे में गलत फहमी, उसके बारे में आज हम सविस्तर चर्चा करेंगे। उसमें पहली गलत फहमी ये है कि काला गुड़ जो है अच्छा रहता है सेहत के लिए, काला गुड़ जो है सेहत के लिए अच्छा रहता है। दोस्तों आपने कभी ऐसा देखा है जो दूध सफेद होता है उससे कोई भी चीज आप बनाओ, कोई भी फूड आप बनाओ तो वो सफेद ही रहती है। अगर गेहूं लाल है तो उससे बनाई हुई रोटी भी लाल रहती है। मैदा सफेद है, मैदे से जो रोटी बनती है वह सफेद है। काला गुड़ बनने के लिए काला जूस गन्ने से बाहर निकल रहा है ये नहीं देखा होगा आपने, मतलब जब क्रशर से बाहर आता है तब काला रहता है, लेकिन गन्ने से जब कोई भी जूस सेंटर में जाके आप जूस पीते हो वो काला कभी नहीं होता है, हरा रहता है, पीला रहता है, गोल्डन कलर का रहता है, गन्ने की किस्म पे तय होता है, लेकिन काला जूस आपने कभी नहीं देखा होगा। तो काला जूस क्यों बनता है, काला गुड़ क्यों बनता है? काला जूस इसलिए बनता है कि जूस में मिट्टी, कीड़े मकोड़े का खून और कचरा, बहुत सारा कचरा है, पेस्ट है, वो सब जूस में आती है, और इसलिए जूस जो है अगर क्रशर से निकलता हुआ जूस जो है जहां गन्ना बनता है वहां अगर देखोगे तो वो काला उस वजह से बनता है। जूस काला कभी नहीं होता है, ओरिजिनली काला कभी नहीं रहता है, लेकिन काला तब बनता है क्योंकि उसमें मट्टी आ जाती है, उसमें कीचड़ आ जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े का खून आ जाता है, उसमें बहुत सारी बुरशी पेंट पेस्ट जो है वो सब उसमें आ जाती है, इसलिए गुड़ का जूस काला बनता है। और उस काले जूस में जो भी मट्टी है, जो भी चीजें मैंने बताई, वो अगर ठीक से नहीं बाहर निकाली तो गुड़ काला बनता है। अभी वो निकालने के लिए या उसके बाद काले जूस से काला गुड़ बनेगा ये पक्का है, लेकिन काले गुड़ को सफेद बनाने के लिए उसमें फिर केमिकल की मात्रा ऐड करनी पड़ती है तो सफेद बनता है गुड़। मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि अगर गन्ने को साफ करके उसमें कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, उसको अगर साफ किया तो गुड़ जो है आपको नेचुरल जो जैगवंडर का कलर है वो कलर जो है लाल पीले कलर का गुड़ आपको मिल सकता है। इसलिए काला गुड़ में केमिकल है या नहीं है, केमिकल नहीं हो सकता है, लेकिन काले गुड़ में कीचड़ और मट्टी है, बहुत सारे फॉरेन मैटर्स है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। अगर गन्ने को धो के साफ करके अगर आप जूस को प्रोसेस करते हो तो वो जो गुड़ है वो आपको नेचुरल गोल्डन येलो या रेड कलर का गुड़ जो है, चॉकलेट ब्राउन कलर का गुड़, वो आपको नेचुरली मिल जाएगा। आप गन्ने को साफ करना है जूस में, क्योंकि काला जूस कभी नहीं होता है तो गुड़ कहां से काला बनेगा साहब? तो अहम चीज है गन्ने को साफ करके आपका सेल्फ लाइफ भी अच्छा आएगा, 12 महीने तक गुड़ को कुछ नहीं होगा, गुड़ का कलर भी अच्छा आएगा, सेल्फ लाइफ भी अच्छा आएगा, और कस्टमर को वो जो टेस्ट है जो काला गुड़ है उसमें मैं गारंटी देता हूं आपको, आप जब खाते हो तब उसमें आपका मट्टी का या कीचड़ का स्वाद आपको लगेगा, क्योंकि वो काला ज्यादातर उसी की वजह से बनता है। तो काला गुड़ अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन पीला गुड़ अच्छा है, लेकिन पीला या गोल्डन येलो कलर का विदाउट केमिकल वाला गुड़ अच्छा है। वो काले गुड़ को फिर पीला या लाल करने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं तो वो भी गलत है। गन्ने को साफ करके ले लो, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, नेचुरली आपका गुड़ लाल या पीले कलर का बन जाएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हुए हैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक अभी होने वाले हैं इस हफ्ते में। वी आर आउट ऑफ स्टॉक, वी आर सोल्ड ऑल आवर इन्वेंटरी, और अगला जो लॉट आने वाला है अक्टूबर नवंबर में हमारा प्लांट शुरू होगा तब होगा। तो पहली गलत फहमी है काला गुड़ अच्छा है, वो बिल्कुल सही नहीं है। काला गुड़ केमिकल वाले गुड़ से ठीक हो सकता है, लेकिन वहां कीचड़, मट्टी और बाकी सब चीजें वहां होती है, इसलिए वो गुड़ अच्छा है एक है ना विलुप्त बिल्कुल गलत है। दूसरा जो है गुड़ जल्दी खराब हो जाता है बारिश में, मौसम में, या जब अप्रैल मई का महीना रहता है उस टाइम भी बहुत सारी धूप होने की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने से गुड़ खराब होता है, ये गलत है। जो पहला मैं रीजन बताया, गन्ने को धोके अगर आप प्रोसेस करते हो तो आपका कलर भी अच्छा हो जाएगा, सेल्फ लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। सेल्फ लाइफ क्यों अच्छा होगा? जब आप गन्ना धोते हो तो उस टाइम गन्ने के साथ जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया जूस में जाते हैं उसकी मात्रा कंट्रोल में आ जाती है, एंड
जूस में अगर गुड़ में वो जर्म्स एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है बाद में, इसलिए गुड़ खराब होता है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। बाकी और वजह है उसकी, अगर गुड़ खराब होने की बहुत और वजह है, लेकिन उसमें एक वजह ये है कि आप गन्ने को धो के इस्तेमाल करो, आपका गुड़ खराब होना जो है कम हो जाएगा। और भी बहुत वजह है, हम जो है 12 मंथ्स का भी ये जो भी डिस्पैच हो रहे हैं, ये मिस्टर साई कोल्हापुर के वहाँ डिस्पैच हो रहा है, तो इसमें हम पैकेट में लिख के देते हैं 12 महीना बॉक्स टू बॉक्स रिप्लेसमेंट वारंटी। पैकिंग डेट से 12 महीने तक इस गुड़ को कुछ नहीं होगा, आपको कोई कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एटमोस्फियर में, इंडिया का कोई भी स्टेट में, कहीं पर भी जहां बारिश ज्यादा है कम है, ओपन रख दो, 12 महीना इस गुड़ को कुछ नहीं होगा। तो गुड़ जो खराब होता है, ये भी आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते नहीं, आप गन्ने की क्वालिटी चेक नहीं करते, प्रोसेसिंग कंट्रोल मॉनिटर नहीं करते, और फिर बोलते हो गुड़ खराब हो गया, गुड़ तो खराब होना ही था। आप अगर ढंग से काम करोगे तो गुड़ खराब नहीं होता है साहब। 12 महीने तक गुड़ को कुछ नहीं होता है, हमारा गुड़ आप लेके रखो, 12 महीने तक कुछ नहीं होगा, ये हमारी गारंटी वारंटी है। अगर होता है तो बॉक्स टू बॉक्स फ्री रिप्लेसमेंट देते हैं। 1.5 साल तक हमने गुड़ को रखा है, कुछ नहीं हुआ, इसलिए 12 महीने की वारंटी देते हैं। हमारे प्रोडक्ट पे हमारा भरोसा है, हमारे पूरे SOPs, पूरे QAPs हमारे प्रोडक्ट के लिए रेडी है, वो आप कर सकते हो। गुड़ के प्रयोग से चाय फटती है, ये भी आपने सुना होगा। गुड़ जो है उबलते चाय में डालोगे तो चाय फटती है, चाय उबलने के बाद डालो तो नहीं फटती है, ये भी गलत कहमी है। ये प्रोडक्ट्स आप ले लो, उबलते चाय में डाल दो, चाय फटेगी नहीं। उस पर लिखा रहता है जैगरी सो नेचुरल इफ यूज्ड इन अ टी इट विल नॉट कडल। गुड़ इतना नेचुरल है, उबलते चाय में इस्तेमाल करो, चाय फटेगी नहीं। ये सब चीजें जो है आपको अगर सीखना है तो अभी हमारा जो कमिंग संडे को हिंदी और इंग्लिश में सेमिनार हो रहा है, गुड़ तंत्रज्ञान उद्योग सेमिनार, उसमें हर चीज आपको बारीकी से सिखाई जाती है। अभी जो है हम गलत फहमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये गलत फहमी है। अलग गलत पॉइंट नंबर 4 जो है गलत फहमी में, भाप पे स्टीम पे जो गुड़ बनता है वो ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है। स्टीम बॉइलिंग टेक्नोलॉजी में जो वैक्यूम इवेपोरेशन जहां होता है वहां क्या होता है, वहां जूस जो है 60-70 डिग्री सेल्सियस को इवेपोरेट हो जाता है। सो इवेपोरेशन इज सक्सेसफुल एट 60-70 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। दिस इज हाफ ट्रूथ, ये जो है हाफ ट्रूथ है। उसका रीजन ये है, 60-70 डिग्री सेल्सियस को आपका इवेपोरेशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन व्हाट अबाउट जर्म्स एंड बैक्टीरिया। जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया उसमें जो रहते हैं, हमने बचपन में, आपको पता होगा जब मैं 3rd-4th standard में था, आप अगर मेरे उम्र के हो तो आपको पता होगा कि पहले जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सीरिंज को क्या करते थे, 1 घंटा तक उबालते थे पानी में, गर्म पानी में, और फिर इंजेक्शन लगाते। अभी तो डिस्पोजेबल सिरिंज आ गया, इसका मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस को आप जब जूस को उबालोगे तो वहां के जर्म्स एंड बैक्टीरिया किल होते हैं। तो 60-70% पे इवेपोरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन वहां के जर्म्स बैक्टीरिया वैसे के वैसे बना रहे, आपको सेल्फ लाइफ नहीं मिलेगा, और मॉइस्चर ज्यादा रहेगा उस जैगरी में, और उसको गुड़ में जो नेचुरल ईस्ट होता है विच एक्ट एज ऑर्गेनिज्म फॉर फर्मेंटेशन, तो उस गुड़ की जो है आपको अल्कोहल की तरह स्मेल भी आएगी, उस गुड़ के अल्कोहल की तरह स्मेल भी आएगी। तो एक गुड़ अच्छा है, टेक्निकली यस इट हैज गॉट मोर न्यूट्रिशनल वैल्यूज, बट दैट इज नॉट गुड फॉर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। स्टीम बॉइलिंग पे जो गुड़ बनता है आज की डेट में इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बगैस कम पड़ता है, ये गलत फहमी है। परमात्मा ने, परमेश्वर ने जो भी कुछ दिया है वो सफिशियंट है हम सब लोगों के लिए, हम सब, हमारी सब प्रोसेस के लिए। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू जैगरी, लेकिन आज हम बात करेंगे जैगरी के बारे में। जो छिलका होता है, जो बगैस होता है वो कम पड़ता है, ऐसा लोगों का मानना है जो कि गलत है। अगर आप ब्रिक्स चेक किए बिना गन्ना खरीदोगे, मतलब कम रिकवरी वाला गन्ना खरीदोगे, 1 टन शुगर केन में, गन्ने में करीबन 280-300 kg बगैस निकलता है, जूस निकलता है। अभी ये तो फिक्स है, ऐसा समझ लो आप, 280 होता है, और 700 से 710 तक जूस निकलता है। गुड़ के लिए उतना ही निकालना चाहिए। अभी आप कोई सोचेगा कि अब मैं 750 निकालता हूँ, 800 निकालता हूँ, तो उसमें आपको जूस मिलेगा, रिकवरी भी थोड़ी ज्यादा मिलेगी, लेकिन आपको
गुड़ की क्वालिटी नहीं मिलेगी, उसकी वजह अलग अलग है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं छिलका कम क्यों होता है। ब्रिक्स चेक किए बिना अगर आप गन्ना खरीदते हो तो जो जूस मिलता है 700 लीटर, 700 लीटर में कम गुड़ बनेगा। कम गुड़ बनेगा मतलब ज्यादा पानी जो उसमें है उसको आपको निकालना पड़ेगा, तो बगैस आपको ज्यादा लगेगा। बगैस मिलता कितना है? 280-300 किलो। तो ब्रिक्स अगर चेक नहीं किए, कम रिकवरी वाला करना है, तो आपको बगैस कम पड़ने वाला है। फिर आपकी जो सिस्टम है, जो जहां आप ये कंबशन कर रहे हो उसको अगर इफिशियंटली नहीं बनाया, कैसे भी चूल्हा बना के उस पर अगर आप बगैस डाल के गुड़ बनाने वाले हो तो आपको बगैस कम ही पड़ने वाला है। उसमें कुछ इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ऐड कर दो, जो कि टेक्नोलॉजिकल चीज है, वो सीखने के लिए आप हमारे ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। वहां हम ये सब चीजें सिखाते हैं कि कैसे हम जो है बगैस का कंजम्पशन कम कर सकते हैं। और गुड़ की गुणवत्ता में सातत्य नहीं रहता है, ये गलतफहमी, छठी गलतफहमी है। मतलब हर एक बैच के अलग अलग कलर आते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप हमारे जैक वंडर के प्रोडक्ट खरीदो, पहले महीने का, दूसरे महीने का, दसवें महीने का जो भी प्रोडक्ट है उसमें सेम कलर आएगा। आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बनाया, आपने प्रोसेस का कौन से पैरामीटर्स कंट्रोल करने और मॉनिटर करने ये नहीं बनाया। जो भी गन्ना मिल रहा है उसको क्रश कर रहे हो, और जो भी प्रोसेस जो कारागिर फॉलो कर रहा है वो आपको सही लगता है। आपको खुद को गुड़ बनाना नहीं आता है, और बनाना आता भी है तो भी उसके पैरामीटर कैसे कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ये पता नहीं होता, तो गुड़ का एक जैसा कलर नहीं आएगा आपका। तो ये सब जो है गलत फहमियां है। इस पे अगर आप काम करते हो तो जो हमारा प्रोडक्ट है जैक वंडर, जिसको 250 रुपए किलो में हम बेचते हैं, वैसा आपका भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है तो अभी जो है इन सारे लोगों ने जो किताबें खरीदी है, एक आप भी एक किताब खरीदो, आपका बजट कम है तो उसमें आपको पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी कि जो आपको जो अभी तक मैंने जो टॉपिक्स इसमें बताए इसके बारे में पूरी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। और ये बुक खरीदने के लिए हमारा जो वेबसाइट है jackwonder.net, उस पर आपको लॉग इन करके वहां से ऑनलाइन परचेस करना है, ताकि आपका जो डेटाबेस है हमारे पास बना रहेगा और कुछ अपडेट रहेगा तो आपको भेजा जाएगा। और जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ व्हाट्सएप भी किया तो आपको ये बुक मिल जाएगी। संडे को जो सेमिनार हो रहा है गुड ऑनलाइन जूम पे होता है ये सेमिनार, हिंदी का सेमिनार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हो रहा है, इंग्लिश का सेमिनार दोपहर में हो रहा है। तो उसके लिए सीट अगर बुक करनी है तो भी आपको व्हाट्सएप करना है, वेबसाइट से आप सीट बुक कर सकते हो। जैगरी खरीदनी है तो दिस इज द लास्ट वीक, इस वीक के बाद ये प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आज ही इसका ऑर्डर देना जरूरी है। बुक कुछ स्टॉक्स में है, बुक का स्टॉक अभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन जैगरी का स्टॉक अभी खत्म होने वाला है। तो अगर आपको ये सब चीजें मैं जो कहता हूँ ये आपको अगर ठीक लगती है, आपको वो समझ में आती है और आपको लगता है कि इस पे काम करेगा तो आपको फायदा होगा, तो ये वीडियो को शेयर जरूर करेगा, ताकि जो है जो भी गन्ना किसान है, जो भी गुड़ में काम कर रहे हैं, आपने जो दोस्त है, आपके जो वेल विशर्स है, उसके लिए ये वीडियो जो है ये फायदेमंद रहेगा। तो अभी यहीं पे रुकते हैं, अगला टॉपिक के लिए हम अगले वीक में लाइव आके आपको गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।